गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिली। ये आज लंच करके नहीं गए तो बोले कि डिनर में मैं आऊँगा तो पनीर चिली बना के रखना, मैं पनीर चिली और रोटी खाऊंगा। ऐसे बना हुआ बहुत कुछ था लंच में, करेला का भुजिया था, सजना और आलू का सब्जी भी था, मटर पराठा भी था, बैगन आलू का सब्जी भी था, बट इनको कुछ भी खाने का मन नहीं था। बोल रहे थे कि जब पनीर बनाओगी तब पनीर खाऊंगा मैं, तो मटर तो ख़त्म हो गया था, तो सिर्फ इसीलिए कैप्सिकम घर पे था इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ पनीर चिली बनाने जा रही हूँ। आप लोग देखिए मैं कैसे बनाती हूँ पनीर चिली। गाइज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले पनीर में कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इसको मिला ली। मिलाने के बाद इसमें तो रिफाइंड ऑयल है, इसमें फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई कर लूँगी अच्छे से। जब डीप फ्राई हो जाएगा तो उसे मैं निकाल लूँगी। तो देखिए मतलब आप कभी भी आप पनीर चिली बनाइएगा, पहले सबसे पहले कढ़ाई को मतलब विदाउट ऑयल का ही पहले अच्छे से हीट कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें ऑयल डालिएगा, उसके बाद पनीर फ्राई कीजिएगा। देखिएगा पनीर कभी भी नहीं चिपकेगा आपका। तो वैसे मैं की थी यहाँ पर, तो देखिए मेरा पनीर चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा है आप ही लोग देख लीजिए। और यहाँ पे मैं पनीर फ्राई करके निकाल भी लिए हूँ। ये चिमनी ऑफ था तो मैं चिमनी ऑन की, फिर उस जब पनीर फ्राई करे तो ऑफ ही था उस टाइम। ये मैं सॉस रेडी की हूँ उस बाउल में जो उसको हटा रही हूँ, और यहाँ पे थोड़ा कॉर्नफ्लावर गिर गया था तो मैं उसे क्लीन कर रही हूँ। क्लीन नहीं करने से वैसे गंदा होते रहता है, फैलते रहता है, क्लीन करके अच्छा लगता है काम करना। इसमें ये जिंजर एंड गार्लिक डाल रही हूँ। पहले इसे मैं अच्छे से रेड फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसमें मैं पनीर डालूँगी, फिर चिली डालूँगी, कैप्सिकम डालूँगी, उसके बाद सॉस वगैरह डालूँगी। तो देखिए पनीर में अभी कलर तो नहीं आया है, धीरे धीरे कलर आ जाएगा पनीर में। तो मैं चिली कट करना भूल गई थी, तो मैं देखिए यहाँ पे चिली कट करूँगी। सब कुछ कट हो चुका था बट चिली कट नहीं हुआ था, तो चिली को मैं स्लिट कर रही हूँ, मतलब वो बीच में से फाड़ देना। तो वैसे मैं कर रही हूँ चिली को, चिली वैसे ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। आप लोग भी सोचते होंगे कभी मैं लहसुन बोलती हूँ, कभी गार्लिक बोलती हूँ, जो मुँह में आता है मैं वही बोल देती हूँ। ऐसा कुछ सोचती नहीं हूँ कि हाँ मुझे यही बोलना है बोल के, जो हैबिट है रेगुलर घर में बोलने का वही। ये देखिए इसमें चिली सॉस है, टमेटो सॉस और सोया सॉस और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाली हूँ मैं, और डाल के इसका सॉस मैं रेडी कर ली। उसके बाद डालने के बाद कुछ कम ज़्यादा हुआ, बेसी हुआ तो मैं और ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए गार्लिक अच्छे से रेड हो चुका है, उसके बाद मैं इसमें पनीर, ऑनियन एंड कैप्सिकम तीनों डाल दूँगी। सॉस अभी नहीं डालूँगी, सॉस भी डाल सकते हैं बट आपका मर्ज़ी आप कैसे डाल रहे हैं। तो मैं पहले ये सब डाल दी, इसमें सॉस डाल दूँगी। अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर दी मैं, डीप मतलब हाई रहने से आपका जलने का डर रहता है। और ये पनीर चिली मेरे जीजू है मतलब बिहार में रहते हैं, उनको मतलब मेरे हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर चिली। तो वो भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे काश मैं रहता वहाँ पे तो मैं भी खा सकता। उनको मतलब पनीर चिली और रोटी बहुत पसंद है। तो मैं गई थी अपनी दीदी के घर तो वहाँ पर मैं उन्हें बना के खिलाई थी, तो उनको बहुत अच्छा लगता। यहाँ पे भी आए थे तो बोलते बहुत टेस्टी बनाए थे, कितना बार कॉल करके पूछे भी मेरे से रेसिपी कि कैसे आप बनाते हैं, तो मैं बताई थी। तो उनको मतलब मेरे हाथ का पनीर चिली बहुत पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दी और ब्लैक पेपर इसमें था बट ख़त्म हो गया था, तो ब्लैक पेपर के बिना टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है, तो थोड़ा सा था वही मैं डाल दी। ब्लैक पेपर ज़्यादा होने से चिली वगैरह में ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यहाँ पे डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर तो हम डालते नहीं हैं बट ब्लैक पेपर नहीं था इसलिए रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं यहाँ पे हम। कैसा अच्छा लग रहा है ना कलर, बहुत अभी मिक्स करेंगे तब आप देखिए अगर
कैसा लगता है। अब इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी, और थोड़ा कैप्सिकम, थोड़ा क्रंची रहता है तभी अच्छा लगता है वो। कैप्सिकम पकने के बाद एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऑनियन एंड कैप्सिकम थोड़ा क्रंची रहना चाहिए चिली में, तब वो टेस्ट, रियल टेस्ट आता है आपका चिली का। तो सॉस, मतलब मुझे सोया सॉस थोड़ा कम लग रहा था तो सोया सॉस मैं और डाली थोड़ा। अब थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद ये आपका चिली रेडी हो गया है, लगभग रेडी हो गया है। अब मैं बाबू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने जा रही हूँ रूम में, टाइम स्पेंड करने बाबू के साथ। अरे बेटा नहीं कर रहा है ऐसे, बनवा से मेरे सोना बच्चा, क्या कर रहा है बेटा? सुन इसको, इसको रख दे, इसको रख दे, इसको यहाँ रख दे। ना ना ये गुस्सा हो गया, तू छोड़ के चल गई तो पूरा गुस्सा हो गया। ये आपसे बोल रहा है गुस्सा हो गया लल्ला, क्यों छोड़ गए थे? हम गए थे घूमने ना नीचे, लेकिन जान जाएंगे। चलो चलो लेके चले, जल्दी चलो। नानी से गुस्सा है बेटा? नहीं मान गया है, मान गया है। नानी से गुस्सा है सोना? चलो चलो, नानी मान गया तू? दो मिनट में मान गया? मानी नहीं वो। हाँ नया चप्पल पहन, नहीं जा रही है बेटा, नया चप्पल पहन लो, चलो चलो। हाँ हाँ नया चप्पल, नया चप्पल, चलो। हाँ हाँ चलो चलो। राध्या पढ़ाई कंप्लीट हो गया? हाँ नहीं कंप्लीट हुआ? क्या पास्ता वैसे रखा हुआ है? पास्ता भी नहीं खाई हो अभी तक? क्या पास्ता? बेचारी को भूख लगा था, सो के उठी थी तभी बोली थी मामा पास्ता खाएंगे, पास्ता बना दीजिए। राध्या पहले पास्ता खा लो, उसके पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई बाद में करना बेटा, पहले खा लो, खोलो खा लो सोना, खा लो खा लो, थोड़ी देर बाद पढ़ाई कर लेना। रख दो रख दो रख दो, नहीं डांटेंगे बेटा तुम, रख दो थोड़ी देर बाद पढ़ लेना, पहले खा लो, पहले खा लो, खाने में जरूरी है ना, पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई करना, खाने के बाद पढ़ाई करना, पहले वो कर लो, बंद कर दिए, पहले खा लो, फटाफट खा लो तो पास्ता, खा लो पास्ता, ले वो हेयर्स भी कैसे करके रखी हो, खा लो जल्दी से। अच्छा व्हाइट सॉस नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम व्हाइट सॉस दे देता। हाँ तुम दादाजी की हेल्प कर रहे हो बेटा? हाँ। इतना सारा सामान लेके आ रहे दादाजी के साथ? ये क्या लाया है? क्या लाया है? चीप, चीप। क्या चिप्स है? नहीं चीप। तुम दादाजी का हेल्प करता है बेटा? हेलो चीप, हाँ चीप्स है, खा लेगा। मटर पत्ते लाए, चिप्स तो बहुत पसंद है खाना, स्कूल में मांग से चिप्स लेके जाएंगे। नया है, नया है तो बंद कर दो। राध्या पहले पास्ता फिनिश करो तब खाना, ठीक है? खाना निकाल दे पापा। निकाल। मामा कल टिफिन में व्हाइट सॉस पास्ता दे देगा। हाँ? कल टिफिन में व्हाइट सॉस बोलती हो। क्या मिस क्या बोलती है तुमको? कुछ बना के देना तो तुम ही तो चिप्स लेके जाना पसंद करती हो। तुम खाली ब्रेड दे दो, ब्रेड बिल्कुल टेस्टी नहीं था। कौन सा ब्रेड? वो तो केक तो दादाजी लाए थे, दादाजी पहले से लाके रखे थे, बोले थे कि राधा को दे देने के लिए। वो टेस्टी नहीं था, दूसरा केक। तो तुम डाइनिंग टेबल तो पूरा अपना बैग से, पास्ता से, चिप्स से, पेंसिल बॉक्स, सब कुछ अपना चीज से भर के रखती हो डाइनिंग टेबल को, जब तुम बैठती हो डाइनिंग टेबल पे। देखो भाई क्या करने आया है, मोटू पतलू खाएगा?
कहाँ जा रहा है बेटा? ओए गिफ्ट है। पापा पहले मुझे देंगे लगता है। ये पापा इसके अंदर से गिफ्ट मिला देखो दूध दे रहे पापा। हाँ आ रहे हैं नानी जी मत जाइए बाद में जाइएगा थोड़ा दिन रह जाइए उसके बाद जाइएगा। फोटो नहीं खींचनी हम कहने कमी के मार्च में जब गई थी सन कश्मीर तब जाइए उस समय तू निकल गई तू अभी मत जाइए थोड़ा दिन रह के जाइएगा। हम कहने मार्च में जब कश्मीर गई थी सन तो उस समय निकल गई तू तो दस दिन में फिर क्या नहीं है मैम यहाँ पे मैम आए जल्दी आ रही हूँ बहुत जाएगी नहीं आएगी प्रणाम कर लो नानी के प्रणाम पैसो प्रणाम कर ली रहते आइए फिर जल्दी नानी जी ठीक है गोल लागली वही आ जाते मैं कब जाओगे तुम अपने घर जाओ जा दिए लेने के लिए देखो जा दिए माँ माँ आइए करा लीजिए फिर जल्दी ठीक है नानी जी चली गई एकदम घर सुना सुना हो गया अच्छा नहीं लग रहा है और मतलब बच्चा लोग को भी बहुत अच्छे से रख लेती थी और राध्या मेरी बेटी जब मतलब छोटी थी एकदम छोटी 1 month की जब थी तो नानी जी इतना अच्छा से हैंडल करती थी मेरा तो मन था कि नानी और कुछ दिन रुके मेरा भी मन था हम तो बोल रहे थे कि जब जाएंगे तब नानी जी वो बट नानी जी का तो मन ही नहीं लग रहा था मतलब नानी जी का मन लग रहा था मामा जी का मन नहीं लग रहा था मामा जी ना के ले गए मामा जी तो सैटरडे को आए थे तो माँ बोली कि मंडे को आके ले जाने के लिए और अब खाली खाली लग रहा है एकदम ना गाइज अब रात भी बहुत हो गया रात के टाइम ही आए थे मामा जी ले जाने गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए बाय गुड नाइट फ्रेंड्स।